बहुत नुकसान हुआ है। आप उधर देख सकते हैं कि सारे अंडे नीचे पड़े हुए हैं। को देखते हैं व्यूवर्स कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि ये सारे अंडे नीचे पड़े हुए हैं। व्यूवर्स आप देख सकते हैं। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स क्या हाल है, हैजरत है, मैं बजे जीवर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूवर्स आज आप व्यूवर्स के सामने अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश सामने रखता हूँ। तो व्यूवर्स वो ख्वाहिश है कि साइट पर आप ये चैनल देख सकते हैं शहर में देहात, और इस तरह आप ये दूसरे चैनल में देख सकते हैं। तो व्यूवर्स जब भी ये वीडियो अपलोड करते हैं तो चंद घंटों में इनके व्यूवर्स लाखों में पहुंच जाते हैं। तो व्यूवर्स जब मैं इनके वीडियोस देखता हूँ, इनके व्यूज़ देखता हूँ, तो दिल में ये हसरत सा पैदा होता है कि काश मेरा भी चैनल इसी तरह कभी ग्रो हो जाए, प्रमोट हो जाए। इतने व्यूज़ ना सही, इन व्यूज़ का 10वां हिस्सा भी हो तो फिर भी अच्छा होगा। तो व्यूवर्स ये बस एक हसरत है, और आप व्यूवर्स हमारी इस हसरत को पूरा भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स हमारी इस ग्रेट ब्यूटी की भी देखें, इसके साथ मैंने इनसे ज़्यादा एक और फीमेल है जो डार्कनेस में इनसे ज़्यादा है, वो इनके साथ लगाई है, अंडे दिए हैं। अब इनका रिजल्ट के इंतज़ार हैं कि किस तरह के चिक्स नज़र आते हैं। तो व्यूवर्स इन अंडों को आप देख रहे हैं, इसको मैंने खुद मटकियों से निकाले हैं, क्योंकि व्यूवर्स अक्सर हमारे जो फर्टाइल अंडे होते हैं वो इन अनफर्टाइल एक वजह से, अंडों की वजह से वो भी खराब हो जाते हैं। क्योंकि व्यूवर्स जब आपकी फीमेल के नीचे इसी तरह 5-6 अंडे हो और इनमें इस तरह 2-3 अनफर्टाइल हो, कभी कभार ऐसा होता है, तो ये जो बाकी तीन होते हैं उनका भी खराब होने का खतरा होता है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने बरवक़्त उन अनफर्टाइल खराब अंडों को उन मटकियों से बाहर निकालना है। तो व्यूवर्स आज मैंने चेक किए तो ये अंडे अनफर्टाइल थे, तो इस वजह से मैंने इनको बाहर निकाले हैं। तो आपको भी यही बस मैं बताने वाला हूं कि अपने मटकियों का देखा करें, जब भी आपको लगे कि ये अनफर्टाइल खराब अंडा है वो फौरन अपने मटकियों से निकालें, ताकि जो बाकी अंडे होते हैं वो खराब ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।